अल्लाम वीवर्स मैं हूं अमनवीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी बिज़नेस आइडियाज़ वीवर्स आज की वीडियो में बात करेंगे फैन वैंडिंग मशीन के बारे में तो वीवर्स अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैनुफेक्चरिंग हवाले से इलेक्ट्रिक आइटम के हवाले से और बिज़नेस आइडियाज़ से रिलेटेड हमारी वीडियोज़ आप तक रहे दोस्तों अब बात करते हैं इस मशीन के बारे में गर्मियों का सीज़न स्टार्ट होते ही इस मशीन का सीज़न भी स्टार्ट हो जाता है घरों में चलने वाले सीलिंग फैन अक्सर ख़राब तो होते ही रहते हैं इन सीलिंग फैन को रिवाइंड करने के लिए इसी मशीन का इस्तेमाल किया जाता है पाकिस्तान के कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर पंखे छः से आठ माह चलते हैं लेकिन कुछ पाकिस्तान के इलाके ऐसे भी हैं जहां पर पंखे दस माह चलते हैं सिर्फ साल के अंदर एक या दो माह के लिए ही बंद होते हैं उन एरियाज में कराची सर फहरिस्त है इलेक्ट्रिक की फील्ड से रिलेटेड जो लोग काम कर रहे हैं वो इस मशीन की अफादियत को बखूबी जानते हैं ये मशीन घंटों का काम चंद मिनट में कर देती है इस मशीन पर आप पंखे को आठ से दस मिनट में रिवाइंड ईजीली कर सकते हैं गर्मियों में पंखों को रिवाइंड करवाने की काफ़ी डिमांड होती है बहुत सारे लोग इस मशीन में इंटरेस्टेड होंगे तो बात करते हैं इसके प्रॉफिट मार्जिन की और इस मशीन के बारे में इस मशीन को लगाने के लिए बिल्कुल थोड़ी सी जगह दरकार है चार बाई चार इसका साइज़ है कोई ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं है इसको इंस्टॉल करने के लिए दोस्तों इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए चंद दिनों की प्रैक्टिस की ज़रूरत है कोई ज़्यादा टेक्निकल काम नहीं है इसके अंदर चंद दिनों की प्रैक्टिस से आप इसके माहिर हो जाएंगे वीडियो में जैसा कि आप देख रहे हैं भाई मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं और एक पंखे को वाइंड कर रहे हैं सबसे पहले कोर के अंदर पेपर डालना होता है पेपर डालने के बाद कोर को मशीन के अंदर सेट करके इसकी टर्ने डालनी होती हैं विवर्स टर्ने डालने के बाद पंखे की कोर को वार्निश करके बॉडी के अंदर फिट कर दिया जाता है अगर बात की जाए पंखे की वाइंडिंग में इस्तेमाल होने वाली तार की तो इसका रेट 1500 पर केजी है और एक पंखे के अंदर जो तार इस्तेमाल होती है वो 600 ग्राम से 800 ग्राम तक तार इस्तेमाल होती है मार्केट में पंखे को रिमाइंड करने का जो रेट है वो 1500 से 2000 रुपया है यानी कि एक पंखे को रिवाइंड करने पर 500 प्लस प्रॉफिट आ जाता है रिवर्स अगर बात की जाए पंखे की वाइंडिंग में इस्तेमाल होने वाली तार की तो इसकी जो मेन मार्केट है वो लाहौर में ब्रंथ रोड है जहाँ पर होल सेल रेट पर आपको ये वाइंडिंग की तार मिल सकती है और अगर बात की जाए वाइंडिंग मशीन की तो वाइंडिंग मशीन के अंदर कोई ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें नहीं हैं एक छोटी सी इलेक्ट्रिक मोटर लगी होती है और चंद पार्ट्स हैं जिनको आप इजीली ऑपरेट कर सकते हैं इस मशीन की कीमत तीस हज़ार से स्टार्ट होकर सत्तर हज़ार रुपये तक जाती है मशीन के अंदर डिफरेंट क्वालिटीज़ होती हैं और क्वालिटी वाइज ही इनकी प्राइस होती है कुछ लेटेस्ट मशीनें हैं उनकी प्राइस ज़्यादा है और कुछ नॉर्मल पुराने मॉडल की मशीनें हैं उनकी प्राइस कम है अब काफ़ी लोगों के जहन में ये सवाल होगा कि ये मशीन मिलेगी कहाँ से तो दोस्तों जो मेन मार्केट है फैन वाइंडिंग मशीन की वो गुजरा वाला में है फैसलाबाद में भी ये मशीनें तैयार होती हैं लेकिन आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं आप गूगल पर जाएं और वहां पर फैन ब्रांडिंग मोटर मशीन सर्च करें आपको काफ़ी डीलर के कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे जो ये मशीनें सेल कर सकते हैं यूट्यूब पर भी काफ़ी वीडियोज़ हैं जो लोग ये मशीनें सेल करते हैं और ओ पर भी जाकर आप ये मशीन ख़रीद सकते हैं विवर्स फैन वैंडिंग मशीन के बिज़नेस को आप अस्सी हज़ार रुपये में स्टार्ट कर सकते हैं और बेहतरीन मुनाफा कमा सकते हैं व्यूर्स फैन वैंडिंग मशीन के बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आप अपने लोकल मार्केट के कस्टमर को भी कवर कर सकते हैं और आपके इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रिक स्टोर हैं उन पर भी आप रहा कर सकते हैं और उनसे भी फैन वैंडिंग का जो काम है वो आपको मिल सकता है लोकल मार्केट से आपको जो कस्टमर मिलेगा वहाँ पर आपका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होगा और अगर आपको इलेक्ट्रिक स्टोर से कोई कस्टमर मिलता है या आप इलेक्ट्रिक स्टोर वालों का काम करते हैं तो वहाँ पर आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो सकता है क्योंकि कुछ प्रॉफिट मार्जिन इलेक्ट्रिक स्टोर वाले रखेंगे और कुछ आपको मिलेगा तो वो प्रॉफिट दो जगह पर डिवाइड हो जाएगा लेकिन ये है कि आपको मार्केट से कस्टमर अच्छा मिल जाएगा तो व्यवर्स मुझे उम्मीद है ये इन्फारमेशन वीडियो आपको पसंद आएगी अगर वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह